भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांचवे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ा दिए परखच्चे। घातक से घातक विस्फोटक इंग्लैंड के गेंदबाज यहां पर रोते विलखते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक का माथा चकरा गया, 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेस्ट करियर में अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ किसी ने 400 रन नहीं ठोके थे, लेकिन रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। रोहित शर्मा को इसीलिए हिटमैन रोहित शर्मा नहीं कहा जाता है। आप लोग अगर आज रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी अपनी आंखों से देखेंगे तो शायद आज आपकी भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी ऐसे बल्लेबाज को दिल से सल्यूट करेंगे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। और यूं ही नहीं, इनका बल्ला इस कदर मैदान पर चलता रहा जिसको देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने वाला हूं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को गेंदबाजी करने का मौका दे दिया, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पहुंच गए, जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार दो गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के इस कदर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी कि इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रोते विलखते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज रोहित शर्मा के आगे पानी भरते नजर आए। तो भैया 21 साल का होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाला है। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी और पांचवें ओवर के छह गेंदों पर गगनचुंबी दो छक्के और कवर ड्राइव दो चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला एक भूखे शेर की तरह खुखार विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज तो हैरान थे ही, लेकिन भारतीय टीम के फैंस भी हैरान थे कि सच में ये रोहित शर्मा है कि महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम को 15वें ओवर की चौथी बॉल पर काफी बड़ा छटका लग गया जब यशस्वी जायसवाल जैसे खुखार विस्फोटक बल्लेबाज महज 38 रन बना करके पवेलियन का रास्ता देख गए। यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो मैदान पर शुभमन गिल आए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। जी हां, वही शुभमन गिल जो अपना दूसरा टेस्ट मुकाबले से कमबैक कर चुके हैं। चौथा टेस्ट मुकाबला शुभमन गिल ने ही अपनी बदौलत से जिताया था और पांचवें टेस्ट मुकाबले में इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि शुभमन गिल ने 17वें ओवर के 6 गेंदों पर दो कवर ड्राइव चौके और एक गगनचुंबी लॉन्ग छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और रोहित शर्मा का बखूबी साथ देने लगे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा को पता था कि यहां पर रन से ज्यादा हमारा अहम विकेट है, विकेट को बचाए रखना है और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी भी करनी है। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा का बखूबी साथ दे रहे थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कप्तान का भी माथा चक्कर खाने लगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने 30 ओवर तक जाते जाते यहां पर 80 रन ठोक दिए और यूं ही नहीं ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बरसाने लगे। 32वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 छक्के जड़ दिए और दो चौके भी जड़ दिए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे रोहित शर्मा और यहां पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज ये बल्लेबाजी नहीं बल्कि रोबोट चल रहे हो। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि 45वें ओवर की 6ठी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब शुभमन गिल आउट हो गए 65 रन ठोककर, जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए वैसे ही मैदान पर सरफराज खान आ गए। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है। हालांकि चौथे टेस्ट मुकाबले में सरफराज खान पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस बल्लेबाज ने पांचवें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। सरफराज खान और रोहित शर्मा की जब आप ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और 40वें ओवर की 6 गेंदों पर दो कवर ड्राइव चौके और तीन गगनचुंबी
चुमती छक्के जड़ दिए। सरफराज खान भी काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अंग्रेजों को धूल चटा रहे थे। सरफराज खान चौथे टेस्ट मुकाबले में आउट होकर के काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन इस बल्लेबाज में पांचवें टेस्ट मुकाबले में कोई निराशाजनक बल्लेबाजी नहीं की और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को खुला चैलेंज कर दिया कि दम है तो आज रोक कर दिखा दो, टोक कर दिखा दो। सरफराज खान का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर चल रहा था, तो वहीं रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कुछ अलग ही कहर बरसा रहे थे। रोहित शर्मा की अंदाज भरी बल्लेबाजी ने मैदान पर आग लगा दी। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने यहां पर जी हां अब 55वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर रोहित शर्मा के जब 6 छक्के देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों रोंगटे खड़े हो गए। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर के रोहित शर्मा को सलाम ठोका, क्योंकि टेस्ट करियर का इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार, ये पहला विश्व में, पूरे देश में पहली बार, आप सभी को बता दूं कि 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया रोहित शर्मा ने 6 छक्के ठोककर, जहां पर सभी ने रोहित शर्मा को सलाम ठोका और रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 200 रन धीरे धीरे जाकर के पूरे कर लिए और रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लग गया, क्योंकि यहां पर 68वें ओवर की चौथी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब सरफराज खान 55 रन बनाने के बाद यानी कि अर्धशतक ठोककर आउट हो गए, लेकिन सरफराज खान ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उर्फ ऑलराउंडर जड्डू भाई हमारे आ गए। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अंग्रेजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 70वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। रविंद्र जडेजा भी काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा को पता था कि चौथे टेस्ट मुकाबले में हम 0 पर आउट हो गए थे, यानी कि सिर्फ 12 रन बनाए थे और जो है पवेलियन का रास्ता दिख गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने टिककर मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रोते विलखते नजर आए। आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। 75वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव, 2 चौके और 1 छक्का फिर जड़ दिया। रविंद्र जडेजा रोहित शर्मा का बखूबी साथ दे रहे थे, दोनों बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए। लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा इतने पावरफुल तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, आज जो भी गेंदबाज आ रहा था वो उनके सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा की तूफान भरी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहासजनक पारी खेल डाली। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब रोहित शर्मा यहां पर जो है 300 रन ठोक करके आउट हो गए। जब यहां पर 91वें ओवर की चौथी बॉल पर जब रोहित शर्मा आउट हुए तो यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यानी कि रविंद्र जडेजा का साथ देने के मैदान पर ध्रुव जुरेल आ गए। जी हां, ये वही ध्रुव जुरेल है जिन्होंने भारतीय टीम को टेस्ट मुकाबला चौथा जिताया था। ध्रुव जुरेल एक फौजी का बेटा है जो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। चौथा टेस्ट मुकाबला इसने जब जिताया भारतीय टीम को तो सलाम ठोका। आप सभी को बता दें कि ध्रुव जुरेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। ध्रुव जुरेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। लेकिन यहां पर जो है 102वें ओवर में जब रविंद्र जडेजा आउट हुए तो मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज बुमराह है। बुमराह भी 8 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। लेकिन उसके बाद रविचंद्र अश्विन आए जिन्होंने तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और यहां ध्रुव जुरेल का काफी बेहतरीन तरीके से साथ दिया और 31 रन ठोक दिए। लेकिन उसके बाद फिर कुलदीप यादव आए जहां पर ध्रुव जुरेल तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ध्रुव जुरेल ने यशस्वी जसवाल, सुमन गिल, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रखे थे। फिलहाल भारत वर्सेज इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ईश्वर से दुआ कामना बनाए रखिए कि हमारी भारतीय टीम टेस्ट मुकाबला 5वां जीते। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।